जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्या होता है फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हमारे पास एक चार्ज का पेयर होता है। वो चार्ज कैसा होना चाहिए, उसका कंडीशन होता है कि एक चार्ज हमारे पास माइनस होना चाहिए, माइनस साइन का होना चाहिए, एक प्लस साइन का होना चाहिए, और वो सेपरेटेड कितने होते हैं, उन दोनों के बीच का लेंथ कितना कितना होता है, 2A होता है या 2L होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर हम लोग जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से नहीं निकालते हैं। तो इसके दो होते हैं, पहले एक एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और एक इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम लोग पहला निकालने वाले हैं क्या, इसका पूरा का पूरा फुल डेरिवेशन देखने वाले हैं कि क्या देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डायपोल एक्सिस के, किसी भी डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग करने क्या वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं। देखिए, ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक क्या है, ये डायपोल है। ठीक, चलिए, ये इलेक्ट्रिक जब डायपोल है तो यहाँ पर ये माइनस क्यू होगा और एक इधर होगा ये प्लस क्यू होगा। इन दोनों के बीच का लेंथ कितना होगा, 2L होगा या 2A होगा, हमने पहले ही बता दिया था। इस वाले को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ हो गया। अब यहाँ से यहाँ इसके मिड से, इसके कहाँ से, इसके मिड से, इसके मिड से एक्स दूरी पर हमने क्या लिया, एक हमारे पास एक एक्स दूरी पर एक हमने पॉइंट क्या लिया, पी लिया। कहाँ लिया, एक्स दूरी पर। तो यहाँ से कितनी दूरी पर हमने लिया, एक्स दूरी पर लिया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। तो एक्स दूरी पर हमने एक पॉइंट पी लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आप फिगर को समझेंगे, तो फिगर को जब समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर 2L इसका लेंथ है तो इसका लेंथ कितना होगा, L होगा, और इसका भी लेंथ कितना होगा, L होगा बेटा। चलिए, जब इतना होगा तो बात को समझिएगा ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता था कि E इज इक्वल टू क्या होता था, F बाई क्यू नॉट होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि E प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, F होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर F जितना स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब F किस पर डिपेंड करता था, ये बात है। तो F इज इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / R² तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो F हमारे पास होता था ये डिपेंड करता था F प्रोपोर्शनल टू R² के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R हमारे पास ज़्यादा है तो F हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अगर R हमारे पास कम है तो F हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इसके बाद में हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, यहाँ पर कोई एक चार्ज होगा। ठीक है, कोई भी एक चार्ज होगा, ये भी हमेशा प्लस होगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, तो जो स्ट्रांग होगा, और देखिए प्लस प्लस जो होता है चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, इतना भी, तो ये भी समझ में आया होगा। और क्या, प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को, अपोजिट साइन वाला चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये भी समझ में आया होगा। तो यहाँ से क्या सीन है कि यहाँ पर प्लस और प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया E2। क्यों E2 नाम दिया, क्योंकि देखिए चार्ज हमारे पास यहाँ पर Q है तो Q है, तो इसको Q1 Q2, तो इसीलिए इसको E2 नाम दे दिया। अच्छा, अब ये माइनस चार्ज है, ये हमारे पास कोई एक प्लस चार्ज, कोई ना कोई यहाँ पर प्लस ही चार्ज होगा। ठीक है, ऑलवेज। तो होगा क्या कि एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब एक दूसरे को, चूंकि ये साइन क्या है, उल्टा है, तो अट्रैक्ट करेगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना होगा, E1। अच्छा, एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर मैंने इस लाइन को बड़ा बनाया हुआ है और यहाँ पर इस लाइन को छोटा बनाया हुआ है।
ऐसा नहीं कि इसमें मैंने जानबूझ करके ऐसा किया हुआ है या अनजाने में ऐसा किया हुआ है, इसके पीछे का एक रीज़न है, मैंने इसको जानबूझ करके किया हुआ है कि इसलिए क्योंकि E2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कंपेयर में स्ट्रांग होगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा बना दिया है बड़ा, और इसको हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लेंथ की, बात करते हैं, बात को समझिएगा कि यहाँ से तो यहाँ तक की लेंथ एक्स हो गई, सबको पता है, ठीक है। और ए बचा कितना लेंथ, ए बचा कितना लेंथ, एल लेंथ बचा, बात को समझिएगा ना। तो एक्स प्लस एल, तो ए एक्स प्लस एल जो लेंथ होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट तक होगा जहाँ तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब यहाँ से हमको लेंथ पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को देखने के लिए पहले तो इतना एक्स है और इतना एल माइनस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, एक्स माइनस एल होगा। तो देख सकते हैं कि ये लेंथ कम है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा बनेगा, और यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम होगा। इतना फिगर समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। जब इतना फिगर समझ में आ गया हो तो आप फिगर को बड़े आराम से लिख सकते हैं, जब फिगर को आप लिख सकते हैं, सॉरी उतार सकते हैं अच्छे से, तो इसको बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो हम सबसे पहली बात कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे होता क्या है कि सब्जी बनाने के लिए या तहरी बनाने के लिए या कोई भी एक डिश बनाने के लिए हमें सभी मसालों की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार से हम भी ये सब मसालों का क्या कर, मसालों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। आगे तेल इकट्ठा कर रहे हैं, जीरा इकट्ठा कर रहे हैं, मरीच इकट्ठा कर रहे हैं, मरचा इकट्ठा कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, चावल भिगो रहे हैं, तो सबको फिर बाद में एक क्या करेंगे, तड़का लगा करके एक कुकर में बंद कर देंगे, उसके बाद में वो पक जाएगा। तो वहीं इसी तरीके से हम कर रहे हैं काम, ठीक है। तो हम सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जब E1 निकाला हमने, तो E1 के लिए हमारे पास क्या हुआ, E1 के लिए जो हमारे पास जो लेंथ होगा वो एक्चुअल में ए, हमारे पास ए है, तो इसके कारण जो यहाँ पर होगा E1, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 के लिए क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो E1 इक्वल टू क्या होगा, के क्यू, मतलब क्यू इसलिए मैंने बोला है क्योंकि क्यू हमारे पास क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास एक ही है, तो एक के हुआ, एक क्यू हुआ, और जो लेंथ इसका है क्या है, एक्स प्लस एल, क्या है, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, इतना समझ में आया। अब इसी तरीके से E2 हमने निकाला, तो E2 इक्वल टू के क्यू अपान क्या हुआ, ये R1 इसको मान लेता हूँ मैं, तब इसकी वैल्यू इसको R2 स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो E2 इक्वल टू क्या हुआ, के क्यू, और लेंथ इसका कितना है, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर है। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया आपको, तो इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद में क्या है कि जब इसमें अब नेट इलेक्ट्रिक, देखिए एक कुछ हमें इधर खींच रहा है, कुछ हमें इधर खींच रहा है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं किधर होगा किधर नहीं होगा, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो कम स्ट्रांग होगा, बड़े में से छोटे को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और अगर दोनों एक ही साइड में होते हैं तब क्या हो जाते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं, समझ में आया। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात करते हैं हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1। अच्छा, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, E2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के क्यू अपान और क्या था हमारे पास, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, यही तो था। अच्छा, और क्या था, माइनस E1 की वैल्यू क्या थी, के क्यू अपान एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो था। देख लीजिए, ए हमारे पास E1 की वैल्यू है, ठीक है, ए हमारे पास E1 की वैल्यू है, ए हमारे पास E2 की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, जब ये समझ में आया कि नहीं, पहले क्यों घटाया है मैंने, इसलिए घटाया है क्योंकि इसी तरीके से हमारे पास था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से था यहाँ पर हमारे, इसको इसलिए मैंने किया है क्योंकि हमारे पास इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल था, ठीक है,
और यहाँ से कुछ पी पॉइंट पे था, तो इधर वाला हमारे पास स्ट्रांग था, इधर वाला कुछ क्या था कमज़ोर था। तो ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे कोई फोर्स हुआ, चाहे कोई वेलोसिटी हुआ, चाहे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, अगर दोनों अपोजिट साइड में हैं तो ई नेट अगर निकालना है तो उनको आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। उसे कई सारा तरीका है समझने का, तो इतना आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ में आया तो ए हमारे पास क्या हो गया, ई नेट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो के क्यू देखेंगे सब में कॉमन है, तो के क्यू कॉमन ले लिए, क्या बचा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना जब हो गया तब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब इतना हो गया सब कुछ तो इसके बाद में हम लोग ई नेट फिर से निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, के क्यू हो गया, और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए एलसीएम इसका क्या लेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम लेंगे, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से इसको भाग दिए तो क्या बचा यहाँ पर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, देखिए, और क्या बचा माइनस, और क्या बचा इससे इसको भाग दिए तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, बचा कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल बचा सर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बचा। जब इतना हो गया तब की हम बात करते हैं आगे, कि आगे क्या होगा। तो आगे मैं यही कर दूं, अगर लगे लोगों को तो बिल्कुल लग कर देता हूं मैं, या नहीं आगे मैं दूसरे पेज पे कर देता हूं। तो जब आगे, अरे ठीक है, जब मैं आगे की बात करता हूं तो आगे हमारे पास क्या आता है, ई क्या था हमारे पास, इधर देखिएगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, के क्यू, अब क्या था 1 प्लस एक्स प्लस एल, ये क्या था हमारे पास एक्स प्लस एल, ठीक है यही था ना, एक्स प्लस एल, ठीक है ठीक, ठीक है, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ, इंटू क्या था एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, यही था। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, के क्यू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xl, ये हुआ, अच्छा ये हुआ, और क्या हुआ हमारे पास अपान, अच्छा इसको आप देख सकते हैं तो ये इनटू में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आगे क्या बना, ए ई नेट इज इक्वल टू हमारे पास बना, इसको ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xl, इतना आया। और इसको देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब बना तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, समझ में। जब इतना आ गया तब हम लोग क्या करते हैं इसको, जब अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये दोनों जुड़ गया, तो हमारे पास क्या आया, ई नेट इज इक्वल टू आया 2 to 4, तो 4xl डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि जो जब हम लेते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 2L, जो ये 2L एक्चुअल में डिस्टेंस है ना, ये बहुत ही छोटा है, कितना है, बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसको जब हम बांट देंगे, जब 2L ही बहुत छोटा है तो L भी डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, हाँ, कंपेयर देन किसके, यहाँ से जो हमने x डिस्टेंस लिया था, तो x के कंपेयर में, इसके x के कंपेयर में, कंपेयर देन डिस्टेंस ऑफ L, ओके, सॉरी लेंथ ऑफ L, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ L इज वेरी वेरी लेस
देन कंपेयर टू द इसके एक्स के तुलना में, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि एल स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। सो हमने क्या किया कि एक्स एल स्क्वायर को हमने क्या किया इज निगलेक्टेबल, क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, निगलेक्ट कर दिया, समझ में आया, इज निगलेक्ट, ठीक है। जब इसको निगलेक्ट कर दिया तब हमारे पास क्या हुआ, ज़रा सा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब हमने इसको निगलेक्ट कर दिया तो ई नेट इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, ये आया था सर के क्यू अपॉन 4 AXL, कितना आया था, 4 AXL ही आया था ना, कितना, हाँ 4XL, ठीक है, 4XL डिवाइड बाई, अब इसको जब हमने निगलेक्ट कर दिया था तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस जीरो, ठीक है, का कितना होल स्क्वायर। अच्छा क्यों, बिकॉज के क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ क्या, कि हमने एल स्क्वायर को क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। तो ई नेट इक्वल टू क्या आया बच्चा, यहाँ पर के क्यू अपॉन ये 4XL को क्या लिख सकते, 2 × 2, ओके, और ये जो हमारे पास क्या है 4XL है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x plus l, हाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2XL लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, हाँ 2 × 2XL बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, x इसका होल स्क्वायर, तो x के पावर 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, और क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए 2 × 2XL, ओके, डिवाइड बाई, इसको हम लोग क्या xq × x लिख सकते हैं, x कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 2 को क्या, q को क्या कर दिया, अंदर कर दिया, तो जो ई नेट आया हमारा बच्चा वो k आया इंटू 2 को जब अंदर किया हमने, तो एक तो 2 यहाँ पर हुआ, बात को समझिएगा, और q को अंदर कर दिया तो 2QL आ गया, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो गया यहाँ पर, एक्स क्यू हो गया। इतना जब हो गया तो यहाँ से हम लोग अगर बात करते हैं ई नेट की, तो ई नेट इज इक्वल टू कितना आया, ए आया हमारे पास के, बहुत बढ़िया, और हमारे पास ये कितना आया 2, और यहाँ पर क्या 2QL, 2QL का मतलब ए हमारे पास, ए क्या हो जाता है, ये 2QL का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम लोग ऐसे कर दिए और क्या कर दिए, एक्स क्यू कर दिए, समझ में आया। तो ई नेट इक्वल टू एक हमारे पास निकला, क्या निकला, 2KP, ओके, डिवाइड बाई एक्स क्यू, ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर, हमारे पास ये क्या आया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये हमारा वेक्टर है, इसको हम लोग नॉर्मल में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ई एक्सिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2KP वेक्टर अपॉन एक्स क्यू, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बड़े आराम से, बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया इसका, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल फार्मूला कि ई एक्सिस इज इक्वल टू 2K ओके पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यू। तो यही हमारे पास क्या हो गया, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अगर निकालना हुआ, तो जैसे कि एक हमारे पास ये क्या हो गया, फिर से मैं फिगर बता देता हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, और यहाँ से एक्स, यहाँ से मतलब इसके मिडिल पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस की मान लीजिए ए पॉइंट को ही हमारे पास पी है, इसके एक्स डिस्टेंस से क्या है, दूरी पर है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए होगा हमारे पास 2KP
फैक्टर अपॉन एक्स क्यू यही हमारे पास होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले पे इक्वेटोरियल प्लेन पे कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उस पर हम लोग इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही बने रहिएगा।